तीन तलाक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। ट्रिपल तलाक को संज्ञेय अपराध के दायरे में लाने को दी गई है चुनौती। यूपी डीजीपी ओपी सिंह का बड़ा बयान, कहा यूपी में हो सकती है आतंकी घटनाएं। नेपाल बॉर्डर पर किया गया सील, प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में अलर्ट जारी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर गौड़ीय मठ संप्रदाय ने महानगर में एक शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा से संपूर्ण महानगर कृष्णमय हो उठा। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मुख्य रूप से 24 अगस्त को मनाया जाएगा। तीन तलाक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद से सामने आया है, जहां एक शौहर ने सिर्फ बाइक और सोने की चैन की मांग पूरी न होने पर अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति पर केस दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27 अगस्त को संभावित रायबरेली दौरा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली और पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाए जाने से दुकानदारों में काफी नाराजगी है। दुकानदारों ने सड़क जाम करके और आगजनी करके प्रदर्शन किया। बस्ती जिले के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। दरअसल यहां पर भर्तियां सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष के लेटर पैड पर की जा रही हैं। मामले में कॉलेज के प्राचार्य से बात की गई तो उनका कहना है कि मेरे पास एक नहीं सभी सांसदों और विधायकों के लेटर पैड आते रहते हैं। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर से तलहटी इलाके में हाहाकार मच गया है। सदर तहसील के आधा दर्जन से अधिक गांव में नदी का पानी पहुंचने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लोग बढ़ते पानी को लेकर परेशान हैं। लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके से एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल एक छात्रा ने प्रिंसिपल विकास शुक्ला पर छेड़छाड़ और विरोध करने पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। ऐसे में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल पर केस दर्ज कर लिया है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वाले लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल बाढ़ की वजह से शवदाह का सामान बेचने वाले दुकानदारों ने लकड़ियों और अन्य सभी सामानों के दाम दोगुने कर दिए हैं। महोमा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 10वीं की छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला पनवाड़ी थाना अंतर्गत महुआ मोड़ के पास का है। देहरादून में राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय बनाया गया है, जो सूबे की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अन्य विभागों से तालमेल रखने का काम करेगा। आपको बता दें कि इस नए महकमे में कुल 7 पद बनाए जाएंगे। मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना है, तो वहीं अगर बात करें कुमाऊं मंडल की तो वहां भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं क्षेत्र में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए 1967 से लंबित पड़ी जामरानी बांध परियोजना को अब पंख लगने शुरू हो गए हैं, लिहाजा राज्य सरकार ने कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 47 करोड़ रुपए धनराशि भी जारी की है। उधम सिंह नगर के सीमांक क्षेत्र खटीमा के जंगल बेशकीमती सागवान और शीशम की लकड़ी से भरे हुए हैं, जिस कारण यहां पर लकड़ी काटकर लकड़ी तस्करी करने के मामले विगत कुछ समय से काफी सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में वन विभाग और पुलिस की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। चंपावत जिले के लदिया घाटी क्षेत्र के भिंगराड़ा में लगने वाले एड़ी बालकृष्ण मेले का भव्य आगाज हुआ। कलश यात्रा के साथ ही आगाज किया गया। साक्षी फाउंडेशन के संचालक स्वामी प्रेम सुगंध ने दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। रुड़की की मंगलौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के दो चोरों से चोरी किए गए 2 ट्रक बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस को अभी आरोपी की और सरगर्मी से तलाश है। मंगलौर कोतवाली पहुंचे एसएसपी सेंथिल अबुदय कृष्णराज के मुताबिक दोनों चोर बेहद शातिर हैं। उधम सिंह नगर जनपद की सितारगंज तहसील के गुरुग्राम में वर्ष 2012 से 2015 के बीच ग्राम विकास अधिकारी के 530 फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने के मामले में पूर्ति अधिकारी के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल गुरुग्राम के तत्कालीन उप प्रधान सुकुमार मंडल ने डीएम से शिकायत की थी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। जगह जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से कार्यक्रम में खलल भी पड़ रहा है।
देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं काशीपुर में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बाजार गुलजार है। बाजार में दुकानें सजी हुई हैं, इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं।